लुधियाना रेलवे स्टेशन पहुंचे सांसद बिट्टू, पूर्ण विकास परियोजना का लिया जायजा। बोले एयरपोर्ट जैसे सुविधाएं मिलेंगी, 2025 तक पूरा होगा काम। पंजाब के लुधियाना से सांसद रवनीत सिंह बिट्टू ने रेलवे स्टेशन का दौरा किया। बिट्टू ने पूर्ण विकास परियोजना में चल रहे काम को देखा, साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिए कि काम के चलते किसी यात्री को कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि रेलवे स्टेशन का मौजूदा ढांचा 1908 में अस्तित्व में आया था और इसे 473 करोड़ की लागत से पूरी तरह से तैयार किया जा रहा है। यह परियोजना 2025 के अंत तक पूरी हो जाएगी। रेलवे स्टेशन पर हवाई अड्डे जैसी सुविधाएं यात्रियों को मिलेंगी। फिलहाल रेलवे स्टेशन का मौजूदा ढांचे को तोड़ा जाएगा। लोगों की सुविधा के लिए रेलवे स्टेशन के दोनों ओर अस्थायी टिकट बुकिंग काउंटर, टॉयलेट, रेलवे ऑफिस के कार्यालय और वेटिंग रूम बनाए जा रहे हैं। लुधियाना उन गिने चुने शहरों में शामिल है जिन्हें इस विशाल परियोजना के लिए चुना गया है। बिट्टू ने कहा कि महानगर के स्टेशन के पूर्ण निर्माण आदि के लिए वह लगातार केंद्र सरकार और रेल मंत्री से संपर्क कर रहे हैं ताकि शहर के लोगों को बढ़िया स्टेशन मिल सके, क्योंकि पैसेंजर ट्रेनों के अलावा हर महीने लुधियाना से 500 मालगाड़ियां चलती हैं। उन्होंने कहा कि रेलवे स्टेशन का एलिवेटेड रोड के माध्यम से सीधा संपर्क होगा। हवाई अड्डों के समान एक फूड कोर्ट और स्वच्छ आधुनिक प्रतीक्षालय और शौचालय भी बनाए जाएंगे। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।